अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं ये है एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4 कंपनी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की इनफरादियत ये है कि ये 2017 का एक पास पेपर है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में बीकॉम या EDP 2 जिसको आप नाम देते हैं में पूछा गया पेपर है। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बरवक्त इतला मौसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इस चैनल के ऊपर सिर्फ आपके एडवांस अकाउंटिंग नहीं बल्कि एडवांस अकाउंटिंग के अलावा जो बाकी मजामीन है जैसा कि कॉस्ट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1-2, इनके लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। तो आप कोशिश करें कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन तमाम स्टूडेंट तक जो डायरेक्टली तौर पर हमसे एक्सेस नहीं कर सकते। इसके अलावा हम लोग कुछ स्टूडेंट जो हमारे साथ लिंक है उनको हम लोग जूम एप्लीकेशन के ज़रिए डेडिकेटेड कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, लिखा गया है लुकमान ऑटो पार्ट कंपनी हैज़ अथोराइज कैपिटल ऑफ 5 लाख। ये अथोराइज कैपिटल है, डिवाइडेड इंटू 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ विच दी 20,000 शेयर हैज़ बीन इशूड एंड फुली पेड। The following trial balance is expected on 31st December 2017. Stock on 1/1/2017, ये opening stock है trading account की debit side. Return, ये दो returns हैं, जो debit return है वो sale return है और जो credit return है वो आपके लिए purchase return है, क्योंकि sale की nature credit तो sale return debit, purchase की nature debit तो purchase return credit. सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। लोन 9% बैंक लोन, ये 25,000 है, 25,000 का 9% अभी ले लेते हैं और याद रखते हैं कि इस 25,000 के ऊपर पूरे साल में 2250 जो है वो इंटरेस्ट पड़ना चाहिए। ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, डायरेक्टर रेमोनरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, फ्री होल्ड प्रिमिसेस, फिक्स एसेट बैलेंस शीट, फर्नीचर फिक्स एसेट बैलेंस शीट, कैश इन हैंड करंट एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट ये करंट एसेट है क्योंकि इसके साथ फिक्स परसेंटेज नहीं दी हुई, डेप्टर करंट एसेट है, शेयर कैपिटल इक्विटी है, परचेज एंड सेल एडजस्टमेंट है, एक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा और एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्रेडिट और करंट लाइबिलिटी है, कैरिज डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, क्लियरिंग चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अमाउंट है 1125 होनी चाहिए 2250, इस 2250 में से 1125 माइनस कर दें, ये 1125 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। दो इफेक्ट होंगे, एक तो यहाँ पे प्लस और दूसरा करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड इनडायरेक्ट है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स एसेट, कैश इन हैंड, करंट एसेट, एडवांस टैक्स पेड, ये भी करंट एसेट बैलेंस शीट में, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट, कैश एट बैंक करंट एसेट और एडवांस टैक्स पेड, ये भी करंट एसेट। अच्छा जी बच्चों, अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। क्लोजिंग स्टॉक दो इफेक्ट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज, एक तो उस एक्सपेंस में प्लस और दूसरा करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट, टिक कर देते हैं जी ताकि हमें याद रहे कि एडजस्टमेंट है किस किस के ऊपर। एक एडजस्टमेंट है वेजेस, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के साथ लिंक कर दिया जाएगा, क्योंकि जो सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है वो बेसिकली वेजेस का दूसरा नाम है। और दूसरा पॉइंट आपके पास आता है जी ऑफिस सैलरी, यहाँ पे तो एडजस्टमेंट में सिर्फ सैलरी ऑफिस सैलरी लिखा हुआ है और यहाँ से भी आप टाइटल ढूंढ लें, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंस, इन दोनों के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगी, इन दोनों में प्लस हो जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 24,000, ये रूल लगेगा LCM का, लोअर ऑफ कास्ट या फिर मार्केट, कास्ट लोअर 24,000 या 25,000, 24,000 कास्ट ऑलरेडी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में है इसलिए इसका इफेक्ट नहीं होगा। इसका इफेक्ट तब होगा अगर मार्केट वैल्यू आपकी 22,000 24,000 से कम होती, जितनी कम होती आप उसका इफेक्ट करते।
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है जी एडजस्टमेंट में से प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 30% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके अप्रोप्रिएशन में डेबिट, करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट 15%। अच्छा, हमारे पास जो शेयर इशू किए गए हैं शेयर कैपिटल उसकी अमाउंट है 2 लाख। ये इस 2 लाख का 15% आपने लेना है, यहाँ पे 2 लाख, इसका 15% 30,000। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, दो काम, अप्रोप्रिएशन की डेबिट और करंट लायबिलिटी के तौर पर। बल्कि अगर क्वेश्चन में आपके पास जनरल रिजर्व पहले से मौजूद हो तो बेहतर है कि इसको आप जनरल रिजर्व में ही प्लस करें, लेकिन मौजूद नहीं है तो आप नया टाइटल क्रिएट कर लीजिएगा। ले स्टूडेंट, आप बात करते हैं इसको फाइनल अकाउंट में शिफ्ट करने की। मैंने बच्चों टाइम बचाने के लिए पहले से फॉर्मेट जो है वो ड्रा कर लिया था, तो आप एनुअल पेपर में इसको मुकम्मल लेबल कीजिएगा। मैं अभी जल्दी में हूँ तो किसी जगह एब्रीवेशन भी यूज़ कर सकता हूँ, तो आपने कोशिश करनी है कि एब्रीवेशन यूज़ नहीं करना। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखते हैं, वो है लुकमान। अभी आप प्रिपेयर करने लगे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे आपने लिख देना है फॉर दी ईयर एंडिंग, यहाँ पे बैलेंस शीट लुकमान, और बैलेंस शीट यहाँ पे एज ऑन, यहाँ पे इक्विटी, यहाँ पे अमाउंट लायबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी, और एसेट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। अच्छा प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस में जिस तरतीब से डेटा लिखा हुआ है उसको यहाँ पे शिफ्ट करते जाते हैं। ट्रायल बैलेंस में पहला टाइटल लिखा हुआ है आपके पास स्टॉक, और ये आपके लिए ओपनिंग स्टॉक है 93210। ट्रायल बैलेंस में दूसरा टाइटल लिखा हुआ है रिटर्न, यहाँ पे परचेज आएगी फिर रिटर्न, और यहाँ पे सेल आएगी फिर रिटर्न। अभी क्योंकि रिटर्न्स के पॉइंट आ गए हैं तो रिटर्न्स की अमाउंट लिख लेते हैं 6340 4925। एक आपके लिए परचेज रिटर्न और एक आपके लिए सेल्स रिटर्न। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग। सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसको लिख लेना है इनर कॉलम है सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अमाउंट है 19620 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस की अमाउंट है 1380। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक तो यहाँ पे प्लस, दूसरा ये करंट लायबिलिटी के तौर पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस 1380। नेक्स्ट टाइटल है जी आपके पास है 9% बैंक लोन, यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट 9% बैंक लोन, अमाउंट आपके पास आ जाएगी 9% बैंक लोन की 25,000। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी ऑफिस सैलरीज, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ऑफिस सैलरीज 34500 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी की अमाउंट है आपके पास 1500, ऐड कर देते हैं 36,000। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में चली जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास है डायरेक्टर रेमुनरेशन। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, डायरेक्टर रेमुनरेशन 13230। नेक्स्ट आइटम है जी आपके पास फ्री होल्ड प्रिमिसेस, ये फिक्स एसेट है बैलेंस शीट में, यहाँ पे फिक्स एसेट फ्री होल्ड प्रिमिसेस। फ्री होल्ड प्रिमिसेस की अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन की गई है, उस अमाउंट को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, और फ्री होल्ड प्रिमिसेस की अमाउंट है हमारे पास 98,000। नेक्स्ट आइटम है जी हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर की जो हमारे पास अमाउंट लिखी गई है वो है हमारे पास
7500, लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है वो लेस कर देते हैं। 7500 का 10% 750, 7500 माइनस 7506750, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, डेप्रिसिएशन एक तो एसेट में से लेस कर दी जाएगी और दूसरा हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 750। नेक्स्ट है आपके पास कैश इन हैंड, कैश इन हैंड की अमाउंट है जी आपके पास 1240। नेक्स्ट टाइटल है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। बैलेंस ब्रॉड डाउन और अमाउंट आ जाती है 19320। नेक्स्ट टाइटल है जी आपके पास इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करंट एसेट के तौर पर बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है 24000। नेक्स्ट टाइटल है डेप्टर और इस क्वेश्चन में डेप्टर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसी को हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे। डेटर की अमाउंट है 52700। नेक्स्ट है आपके पास पहले ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन के शुरू में लिखा हुआ है 5,00,000, यहाँ पे इशूड कैपिटल वो है 2,00,000। नेक्स्ट है जी परचेज एंड सेल, परचेज की अमाउंट जो डेबिट कॉलम में है 359105584750। अच्छा जी 359105 माइनस 4929, तो वैल्यू आपके पास कैलकुलेट जो होके आती है उसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं 354180 584750 माइनस 6340578410। अच्छा जी बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास क्रेडिटर, क्रेडिटर तो करंट लाइबिलिटी है, क्रेडिटर की अमाउंट है 3110। क्रेडिटर के बाद कैरिज, डायरेक्ट एक्सपेंस 2450, देन क्लियरिंग चार्जेस, डायरेक्ट एक्सपेंस 12500। नेक्स्ट आपके पास है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, वन वन टू फाइव प्लस आउटस्टैंडिंग 1125, क्योंकि ये होना चाहिए था 2250, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1125। अच्छा जी नेक्स्ट टाइटल है आपके पास ऑडिट फी, ऑडिट फी की अमाउंट है जी आपके पास 11620। नेक्स्ट है आपके पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ऑडिट फी हम लोगों ने जी यहाँ पे लिख ली, वो हमारे पास प्लेस हो गई 11160। नेक्स्ट है जी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, वो तो डेफर्ड कास्ट के तौर पर होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की अमाउंट हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन की गई है वो है 9000। नेक्स्ट आइटम है जी आपके पास प्लांट एंड मशीनरी, ये फिक्स एसेट है, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन है 74200 माइनस डेप्रिसिएशन, हर डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट होते हैं, एक तो एसेट में से माइनस, क्योंकि 10% है तो इसी अमाउंट का मैंने 10% ले लिया, वो इसमें से माइनस कर देता हूँ 66780। हर एडजस्टमेंट में क्योंकि दो इफेक्ट होते हैं, सॉरी प्लांट के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन है, 10% नहीं है जी इसके ऊपर, इसके ऊपर 15% है 7420।
2200 का 15%, 111 30, 74200 माइनस 111 30, 63070। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट प्लस मशीनरी 111 30। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट आइटम हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी के बाद कैश एट बैंक। कैश एट बैंक की अमाउंट है 9765। नेक्स्ट है एडवांस टैक्स पेड 35,000। अच्छा जी, फिर है जी बात एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट दिसंबर 31 की क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 64240, क्लोजिंग स्टॉक 64240, आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस में प्लस करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में प्लस और करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट। अच्छा जी, ये 19620 प्लस 1380 21,000। नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड, वो हमने प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर दी। नेक्स्ट है जी हमारे पास डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट, एक यहाँ पे आ गया 750 और एक यहाँ पे मार्केटिंग के कोई ना प्रॉफिट। अच्छा जी, अब बात आ जाती है एप्रोप्रिएशन की। हम लोगों ने पहले फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट, 578410 प्लस 64240 और अमाउंट हमारे पास आ जाती है 642650, 642650 माइनस 93210 माइनस 354180 माइनस 21,000 माइनस 2450 12500। अच्छा जी, 278410 प्लस 64240, तो ये आपके पास अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाती है 642650 माइनस 93210 354180 माइनस 21,000 245012500 और वैल्यू है 159310 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 159310 159310 माइनस 36,13230 माइनस 750 22501162 111130। तो हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है वो है 84330 नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जी 84330। अच्छा, अब एडजस्टमेंट नंबर 5 के तीनों पॉइंट रहते हैं। एक पॉइंट तो ये था कि जितना भी प्रॉफिट आए उसका 30% प्रोविजन फॉर टैक्स चार्ज करना है। यहाँ पे आपने लिख देना है प्रोविजन फॉर टैक्स, 84330 का 30%, 25299। अच्छा जी, दूसरा उसने कहा था प्रपोज डिविडेंड 15%, प्रपोज्ड डिविडेंड 2,00,000 का 15%, 30,000। और एक उसने कहा था ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व्स अमाउंट है 10,000। अब इनके तीनों के दूसरा इफेक्ट, जो तो जनरल रिजर्व है वो यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे और डिविडेंड भी यहाँ पे।
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की जो अमाउंट है बच्चों, वो हम लोगों ने कैलकुलेट की थी टू फाइव टू डबल नाइन, और जो प्रपोज डिविडेंड था वो था 30,000। यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो यहाँ से बैलेंस कैलकुलेट होके आएगा 19320 प्लस 84330 103650 103650 माइनस 25299 माइनस 30,000 माइनस 10,000 38351, ये आ जाएगा बैलेंस ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट 38351। स्टूडेंट टाइम शॉर्ट है, इस वजह से आप इसका बैलेंस कीजिएगा, इंशाल्लाह दोनों साइड इसकी इक्वल आ जाएंगी और बैलेंस आपके पास आएगा 363765। ले स्टूडेंट, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।